तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि हम CTX 9000 इनमें और 8000 इनमें अपर लेयर स्प्लिट और कोर्ड्स का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कोर्ड्स को किस प्रकार से बांटेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बैंजो ले लिया, हमने इस वक्त सिंपल बैंजो लिया हुआ है, ये नॉर्मल है एकदम। देखिए पूरे किस वजह से बैंजो यूज होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ACCUMP का, हमने इसको जैसे प्रेस करना है। तो देखिए अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कीज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उस पूरी कीज में कोर्ड्स का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर कोर्ड लग रहे हैं और यहाँ पर हमारा बैंजो यूज हो रहा है। ये तो रहा हमारा पहला ऑप्शन कि हमने यहाँ पर कोड इस्तेमाल कर लिया। अगर हम बात करें कि हम इसकी जगह किसी और टोन को यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, मान लो कि हमने कोई कोड में इफेक्ट दिया है, कुछ दिया है, अगर हम उसको यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस टोन को एडिट करना होगा। जैसे मैंने एक टोन्स एडिट करी थी 804 नंबर पे, देखिए ये टोन जो हमने बनाई है स्पेशल कोड के लिए बनाई गई है। तो इसको अगर हमने कोड में इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जिस टोन में इस चीज़ को एंटर करना, देखिए सबसे पहले मैंने फिर से बैंजो सेलेक्ट किया। बैंजो को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन दिया गया है, इसको एक बार प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पर L1 के नाम से एक ऑप्शन खुल जाएगा और आगे टोन्स का नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कोई टोन हो सकती है, तो आपने क्या करना है, जिस टोन को आपने कोड के लिए बनाया उस टोन के नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। जैसे हमने 804 नंबर पे वो टोन्स बनाई थी जो हमने कोड के लिए यूज़ करनी है, तो हमने यहाँ पर 804 नंबर जैसे प्रेस किया, यहाँ पर एक ऑटोमेटिक देखिए वो टोन यहाँ पर आ गई और पूरे में यहाँ पर बैंजो, यानी जैसे हमने यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन दिया, यहाँ पर बैंजो हट गया और अब यहाँ पर वो टोन आ गई। ये आप किसी भी टोन में एंटर कर सकते हो। जैसे मान लो हमने हारमोनी में ले लिया, हारमोनी में इसको सिंपल है, अब हमने इसमें भी स्प्लिट का ऑप्शन देना है, तो हमने यहाँ पर स्प्लिट ऑप्शन दबाया, 804 नंबर दबाया और अब यहाँ पर भी वही सेम चीज प्ले हो रही है। इसकी जगह अगर हमने स्ट्रिंग्स लानी है, देखिए अगर हमें ट्रम्पेट आप स्प्लिट करके कोई भी टोन जो भी आप यहाँ पर नंबर दबाओगे, यहाँ पर वो ऑटोमेटिक कोड में आ जाएगी। ये तो रहा पहला ऑप्शन। अब दूसरा आता है लेयर का। तो लेयर का भी सिंपल यही फंडा है कि आपने जो भी टोन सेलेक्ट करी है, अगर हारमोनियम है, हारमोनियम के ऊपर हमने एक और टोन यूज़ करनी है ताकि हारमोनियम हमारा इफेक्टिव लगे, तो हमने क्या करना है, लेयर के बटन का प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर U2 के नाम के एक और ऑप्शन खुल जाता है और उसमें आगे टोन्स के नाम आ जाते हैं। जैसे हमारा 106 आ गया, ये टोन्स में कुछ और टोन शामिल होगी। अगर हमने इसकी जगह कोई और टोन गानी तो हमने वही नंबर यूज करना है जो हमने इसमें लेयर करनी है। सेम लेयर के साथ, सेम स्प्लिट के साथ ही ऑप्शन आता है, बस आपको एक बार प्रेस करना है। उसका तो आपने वही नंबर दबाना है जो आपने या तो कोड में देना है या फिर आपने लेयर में यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, बस इन्हीं को यूज़ करना है। और इसी प्रकार से हमने कई सारी टोन्स को यूज़ किए हुए हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ बैंजो, देखिए अब हम इसमें साइड्स में वो कोड भी दे रहे हैं और इसके ऊपर हमें एक लेयर ऑप्शन देना है। देखिए अब तो हमने यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दबाया, उसके बाद 857 नंबर पे हमने एक और टोन ऐड कर लिया। देखिए तो इसी प्रकार आप अपने कीबोर्ड में अलग अलग तरह के टोन को एडिट करके लेयर में यूज कर सकते हो और कोड्स भी आप खुद से बना सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जो करते हैं, मैं जल्दी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक आप इंतज़ार करें।